ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। भाई पसंद आए तो भी लाइक करना, नहीं पसंद आए तो भी लाइक करना, लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि ये पल हाँ ठीक है, आप लोग थोड़ा सा आगे चलो, मैं जरा कैमरा सेट कर फिर आता हूँ। आप लोग निकलो निकलो, मैं स्लो स्लो आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एडवेंचर्स ऑफ पाकिस्तान। वंस अगेन आपका दोस्त हैश, और आज का जो दिन है वो शुरू हो चुका था पहले से ही, लेकिन मैंने सोचा कि अब ये जो छोटा सा सफ़र है, जो इस वक्त मैं छतर प्लेन के बाद से बटग्राम तक जाऊंगा, तो मैंने सोचा इसमें कुछ ना कुछ अपनी ऑडियंस से बात कर ली जाए। आप लोग इतने दिनों से मेरे सफ़र देख रहे हो, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बातें भी हो जाएं जो ज़रूरी हैं, बताएं आपको कि अब तक का सफ़र कहाँ से कहाँ तक और किस तरह शुरू हुआ। तो ये किसी प्लेस या किसी डेस्टिनेशन के व्लॉग में तो मैं ये सब चीज़ें नहीं बता सकता था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस सफ़र के दौरान आपसे कुछ गुफ्तगू कर लूँ, आपसे थोड़ी सी हलवाई हो जाए, ताकि आप लोग भी इस सफ़र में बंधे रहें और आपको पता चलता रहे कि आगे आगे इस सफ़र में क्या होने वाला है और अब तक इस सफ़र में क्या होने हो चुका है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के दिन की बात। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आज का दिन हमारा सुबह स्टार्ट हुआ था एबटाबाद से। एबटाबाद के बाद से हम इस्लामकोट, मंगल, निकाबानी और कलंदर टूल प्लाजा से होते हुए हम अभी तक फ़िलहाल M15 पर ही चल रहे हैं। लेकिन मैं मानसेरा की इस लोकेशन के खूबसूरत बात आपको ये बताऊं कि इसके नीचे ही बिल्कुल हज़ारा मोटरवे चल रहा है, क्योंकि जब हम मानसेरा टूल प्लाजा क्रॉस किया था उसके बाद से जो M15 है वो थोड़ा सा चल रहा था। तो हम थोड़ी देर के लिए M15 से कट के हम हज़ारा मोटरवे के ऊपर थोड़ी देर के लिए चले गए थे। वहाँ हम शिंकियारी तक पहुँचे, तो वहाँ आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था। तो वहाँ से फिर हमें मोटरवे पुलिस ने कहा कि बाइक्स को अलाउ नहीं है, तो हम फिर बजना की तरफ मूव हो गए। तो हम शिंगारी और बजना से होते हुए हम पहुँचे टांडा वैली, और टांडा वैली का व्लॉग आपने मेरा पिछला देखा होगा, अगर नहीं देखा तो पीछे जाएं और टांडा वैली का व्लॉग चेक करें छतर प्लेन से पहले। टांडा वैली के बाद हम बहुत ही खूबसूरत वादियों में बहुत खूबसूरत मंजर, अभी देख रहे हैं कितने खूबसूरत मंजर हैं, ऐसे पीछे भी काफ़ी खूबसूरत मंजर मिले। इन वादियों को देख के तो भाई हर चीज़ बंदा भूल जाता है, और कुछ ऐसा गुनगुनाने का दिल चाहता है कि बंदा बोले कि भाई बस गुनगुनाओ। तो क्या बस क्या गुनगुनाएं, मतलब बड़े फेवरेट सॉन्ग हैं हमारे, कुछ आपके लिए गुनगुनाते भी हैं। इन खूबसूरत वादियों को देखकर और इन नज़ारों को देखकर ना एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है मेरा, वो मुझे याद आया, सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो वो छोटा सा सॉन्ग का एक छोटा सा शेर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि इन वादियों को देखकर ना रहा नहीं जा रहा, दिल बड़ा चाह रहा दिल अंदर से कि भाई बंदा गुनगुनाए। तो क्या गुनगुनाना चाहिए वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, ये बड़ा फेवरेट सॉन्ग है मेरा, और मुझे इन वादियों में देख के बड़ा याद आ रहा है। और एक साथ साथ ये भी है कि एक इस मौसम में, इस बहार को, इस ज़बरदस्त सफ़र के अंदर मुझे एक चीज़ और भी याद आ रही है कि ये पल हमें याद आएंगे, ये पल हमें याद आएंगे, ये पल हमें याद आएंगे। चलते हैं अपने सफ़र की जाने मज़ीद, इसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि, तो ये तो हो गया भाई थोड़ा बहुत फ़न और होप मज़ा आया होगा। तो आगे चलते हैं अपने रूट की जानिब, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था उस डिस्कशंस को हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो हम हज़ारा मोटरवे के बाद ये छतर प्लेन जब हम पहुँचे टांडा के बाद पहुँचे तो हम N35 पर आना पड़ा, बिकॉज के N15 जो है उस पर अलाउ नहीं था, तो हम N35 पर आना पड़ा टांडा के बाद, यानी कि फ़ौरन हमें आना पड़ा। तो अब हम इसी रूट के ऊपर इसी तरीके से मुसलसल चलते 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 N35 पे हैं इस वक्त, और इस टाइम हम छतर प्लेन क्रॉस कर मज़ीद थोड़ा सा आगे जाके आप लोगों से बात करें।
और ये रास्ता आप देख रहे हो इतना खूबसूरत है, इतनी वादियाँ, ज़बरदस्त वादियाँ हैं कि मैं आपको मतलब मेरे कैमरे अभी इतना अच्छा आपको नहीं दिखा पा रहा है। हालांकि ये टॉप पे लगा है कैमरा, कोशिश ये है कि अच्छा कैप्चर कर सकें, लेकिन अब जैसा भी कैप्चर हो आपको वही देखना पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अभी हम चलते हैं आगे। मज़ीद हमने कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, वो सब चीज़ें हम बताएँगे आपको। छतरप्लेन बाज़ार पहुँच गए थे हम, छतरप्लेन बाज़ार के बाद छतरप्लेन विज़िट कर लिया, उसके बाद हम अभी आगे आए आपके पास। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि छतरप्लेन के बाद से जो हमने सफ़र स्टार्ट किया और आपसे गुफ्तगू स्टार्ट की है, तो अब हम यहाँ से, हमारा प्लान है बटग्राम जाने का, बिकॉज़ आपको पता है कि हमारी कुछ चीज़ें पीछे ब्रेक हुई हैं, आईफोन वगैरह ब्रेक हुआ है, तो वो हमें सही करवाना है। तो अब थोड़ा सा इसी रूट पर हम आगे चलते जाएंगे तो हमें मिलेगा बटग्राम, और हमें यहाँ से बटग्राम तक ही जाना है। आज का सफ़र शुरू हुआ था एबटाबाद से, और उसके बाद टांडा, छतरप्लेन, और अब हम बटग्राम जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम बटग्राम पहुंचेंगे, बटग्राम में एक बाज़ार है बहुत अच्छा सा, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे अपने इक्विपमेंट वगैरह जो ब्रेक हुए हैं उनको सही करवा लें, और वो सही हो जाएंगे तो फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। आज का प्लान हमारा ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हम आज शाम से पहले पहले बिशाम तक पहुँच जाएँ, लेकिन ये व्लॉग हो सकता है कि बहुत लंबा होने की वजह से मुझे ये व्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा थाकोट से पहले ही। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपका जो व्लॉग है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लोकेशंस पे जाके शेयर कर सकूं, क्योंकि ये जगहें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं, और इनके ऊपर सफ़र करने का मज़ा ही अलग है। और मैं सुबह से इसके ऊपर सफ़र कर रहा हूँ, इस वक्त दोपहर का टाइम है, लेकिन अब मौसम, मंज़र, वादियाँ, मानसरा बहुत बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत ज़्यादा। अगर बात करें हम मानसरा की थोड़ी सी, तो मानसरा की बात हम करते हैं, तो मानसरा के बारे में आपको ये बताऊँ, ये केपीके का हिस्सा है, और ये अगर कहा जाए तो 17 लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का 17वां नंबर पर है, ये लार्जेस्ट सिटी है, और डिस्ट्रिक्ट केपीके का ये मानसरा कैपिटल भी है। और जहाँ तक रही बात केपीके के अंदर, तो केपीके में ये सिटी 7वें नंबर पर आता है। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं, मालम जब्बा, कलाम, ये तमाम जगहें यहाँ पर बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अभी हमारा जो सफ़र है वो बटग्राम की तरफ जारी है, और मैं आपसे बस ये कहूँगा कि अगर आपको हमारे सफ़र, हमारे ट्रैवल लॉग्स, ये सब कुछ, इन तमाम चीज़ों से, हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड बनाकर बताएं कि किस तरह से हमारे बाद कोई भी आने वाला हो तो वो सफ़र हमारा आसानी से समझ सके। क्योंकि मैंने जब ये वीडियो से स्टार्ट की थी, मैंने कोशिश ये है कि आप लोगों को फर्स्ट कराची से निकलने से लेकर और खुंजराब तक का हमारा प्लान है कि हम खुंजराब पास तक जाएंगे, यानी कि चाइना बॉर्डर, वहाँ तक जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको अच्छे से अच्छा गाइड कर सकें। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं आपको वही एक रटा रटाया एक जो छोटा सा वर्ड है कि डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। तो भाइयों, अगर आपको ये तमाम चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को अप्रिशिएट करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों से, और इसी तरीके से सफ़र को एंजॉय करते रहो। और मज़ीद अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और भी तरीक़ेकार इस वीडियोस में यूज़ करना चाहिए, या मुझे और कुछ ऐसा बताना चाहिए, या ऐसे कोई प्लान्स हैं जो आप लोग चाहते हो कि मैं और शेयर करूँ, जैसे पिछली वीडियोज़ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस तरह कमेंट्स किए थे कि यार तुम बात करो, ऑडियंस से थोड़ी सी बात करो ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारा सफ़र कहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो यही रीज़न को देखते हुए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। तो होप सो यू गाइज इन्जॉय माई व्लॉग्स, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे सफ़र करने में, बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत ही मतलब लाइफ की बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं ये, जो आई होप कि लाइफ टाइम याद रहेंगी। हम आते रहेंगे और भी सफ़र करेंगे, बट फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ लास्ट एक्सप्रेशन वाली जो बात होती है। और इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं, तो अगर जब ये नज़ारे मैं देख रहा हूँ तो मैं आप लोगों से क्यों ना शेयर करूँ, और एक ऐसी वीडियो क्यों ना बनाऊँ कि जिसमें मैं आपसे आसानी से हम कलाम हो सकूँ, आपसे बात कर सकूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं यार सफ़र कैसा चल रहा है, वीडियोज़ पर कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे सफ़र भी आपको दिखा दूँ। तो ये था आज की सफ़र का पूरा एक जो है वो दिन का एक पूरा कैलकुलेशंस, और आज ही कैलकुलेशन के हिसाब से ये है कि हमें आज ही के दिन में पहुंचना है बिशाम सिटी तक। लेकिन बिशाम सिटी पहुंचने से पहले पहले एक और बहुत खूबसूरत सी जगह है, वहाँ पर मुझे एक व्लॉग क्रिएट करना है, और वो व्लॉग आप होप कि आप वो व्लॉग देखोगे तो आप कहोगे कि यार दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन पाकिस्तान। तो अपने दोस्त को याद रखें दुआओं में, बहुत सारी दुआओं में, और हमारा सफ़र साथ खैरियत से कम्प्लीट हो जाए। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो कि नेक्स्ट व्लॉग हमारा
थाकोट से स्टार्ट होगा और वो ख़त्म होगा व्हाटएवर, कहीं भी हो सकता है, जो भी हो, जिधर भी हो, तो जहाँ भी ख़त्म होगा वो हम आपको दिखा सकेंगे। और एक चीज़ आगे मैंने सुना है, एक बहुत ज़बरदस्त सा एक मैं नया व्लॉग है, हो सकता है कि वो मुझे जगह अगर मिल गई तो मैं उसका व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा। तो गाइज़ आप लोग वो लोग व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और आज रात तक हमें किसी भी सूरत में विशाम पहुँचना है, क्योंकि हमें विशाम में स्टे करना है, वरना हमारा सफ़र बहुत डिले हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, शब खैर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।